आप सबका स्वागत है। आज हम 19 अप्रैल की शुरुआत में पहुंचे हैं। कहा जाता है कि जो कुछ भी है हमारे आसपास, ये शरीर भी, ये संकल्प भी, ये बोल भी, ये कलाएं भी जो परमात्मा ने दी हुई है, सब उनकी हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मेरेपन में हमें अभिमान आ सकता है, मेरेपन में हमें स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, मेरेपन में हमें ईगो की प्रॉब्लम तो नहीं, सिर्फ हमें ईर्ष्या भी हो सकती है। क्योंकि अगर किसी ने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, किसी और को इंपॉर्टेंस दे दी, आपके आइडिया को इंपॉर्टेंस नहीं दी, वैल्यू नहीं दी किसी और के, उसमें ईर्ष्या हो सकती है। तो जब मेरा ही नहीं है सब कुछ, तो आइडिया मेरा नहीं है, संकल्प मेरे नहीं है, बोल मेरे नहीं है, और धन मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, तो फिर हम क्या बन गए? ट्रस्टी, सिर्फ संभालने वाले। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्के रहने वाले, डबल लाइट फरिश्ता भवा। हल्का रहने वाले, डबल लाइट फरिश्ता। डबल लाइट, एक तो लाइट का शरीर होता है फरिश्ते का, और दूसरा लाइट मतलब हल्कापन। परमात्मा कहते हैं चलते फिरते सदा यही स्मृति में रहें। चलते फिरते तो हम कर्म तो करते हैं ना, तो हमेशा यही स्मृति में, कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किसी चीज को संभाल रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, फैमिली को संभाल रहे हैं, तो क्या समझे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्ता का क्या होता है? पैर ऊपर होता है, जमीन से ऊपर होता है, मतलब कि उसको कोई रिश्ता नहीं है, उसको कुछ मतलब नहीं है चीजों से। लोग उसको मान दें ना दें, शान दें ना दें, उसको इंपॉर्टेंस दें ना दें, उसको कुछ प्रॉफिट मिले ना मिले, लॉस हो जाए, किसी चीज से उसको रिश्ता नहीं है, वो हल्का रहता है हमेशा। तभी जाकर के वो सही निर्णय ले पाता है, लॉस में भी सही निर्णय ले पाता है, प्रॉफिट में भी अपने आप को एक समान रख पाता है, अभिमान में नहीं आता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है, वो फरिश्ता होता है। परमात्मा कहते हैं फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या और कर्म क्या। लाइट का स्वरूप, बोल कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, मतलब ही नहीं होते। कर्म क्या होता है? औरों को सुख पहुंचाने वाला। वह सदा स्मृति में रहे, क्योंकि जब बाप के बन गए, परमात्मा गॉडफादर के बन गए, तो वही तो हमें फरिश्ता बनाते हैं। सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के फरिश्ते बन गए। जो भी हम कह रहे हैं मेरा 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 है, ये सब कुछ मेरा नहीं है, परमात्मा का है, हल्के बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहां मेरा आए वहां तेरा कह दो। जहां पे भी हमें मेरा की प्रैक्टिस हो चुकी है ना, मेरा आइडिया, मेरी सोच, मेरा प्लान, मैंने कहा ना, मैंने बताया ना, ये सारी चीजें जो भी है हमारे अंदर मेरे मेरे, अच्छा इसे स्टॉप करो, स्मृति में लाओ, नहीं ये मेरा नहीं, ये परमात्मा का। इवन बुद्धि मेरी नहीं है, संकल्प मेरे नहीं, परमात्मा की दी। अगर प्रोवाइड है, उसमें कंडीशन है कि वो पवित्र हो संकल्प, यानी कि जो भी संकल्प आए मेरे, गुस्सा किया, मैंने अहंकार दिखाया, ये भगवान ने करवाया, नहीं ये गलत है। परमात्मा हमेशा ज्ञान देते हैं पवित्रता का। फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, जब हमने सब कुछ सौंप दिया, मेरा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ ट्रस्टी होकर देख रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, तो कोई बोझ नहीं होगा। सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उड़ना, ये चीज सिखाई जाती है एस्ट्रल ट्रैवलिंग, जिसको कि आप शरीर से, फिजिकल बॉडी से आप बाहर निकल के ट्रैवल करते हैं, कंप्लीटली बाहर नहीं निकलते हैं, आपकी पार्ट ऑफ ऊर्जा बाहर निकल जाती है, और वो ऊर्जा कहाँ जाती है किसी को पता ही नहीं है। तो इसलिए हम लाल प्रकाश की दुनिया, ब्रह्मलोक को हम कहते हैं ऊर्जा की दुनिया। तो उस दुनिया में हम जा पाते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, जहाँ से हम उतरे हैं इस धरती पर, वहाँ वापस जा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहा जाए तो एस्ट्रल ट्रैवल है, लेकिन ये चीज़ आपको सिखाई जाती है ब्रह्म कुमारी इसमें, जहाँ पे आप अशरीरी होकर के, आप विदेही होकर के, बिना देह के, फीलिंग के, आप ट्रैवल कर पाते हो बियॉन्ड इस फिजिकल वर्ल्ड के। ये सब कुछ आपको ब्रह्म कुमारी में सिखाया जाता है। आप भी आके सीखे इसको, ज्ञान को, हल्का हो जाए, फिर सब बन जाए। ओम शांति इसके साथ।